सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको फॉर लूप के बारे में बताने वाला हूँ कि फॉर लूप की ज़रूरत क्यों पड़ी और फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है और कैसे हम प्रोग्राम में फॉर लूप का यूज़ करते हैं। तो सारी चीज़ें दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उससे पहले दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फॉर लूप के बारे में मैं आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग फॉर लूप की स्टार्टिंग की बात करें तो सपोज़ दोस्तों यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे हेलो लिख रखा है और फिर मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया और यहाँ पे हेलो लिख दिया। अगर दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ कि आपको इसे प्रिंट कराना है, ठीक है, अभी यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 टाइम दोस्तों अगर आपको यहाँ पे हेलो प्रिंट कराना है तो दोस्तों आप यहाँ पे क्या करेंगे। अगर आप सपोज़ जावा में कोड लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लगाएंगे और दोस्तों यहाँ पे आप सिंपल सा हेलो लिख देंगे, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, फिर से आपका पहला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर आप जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखेंगे और हेलो जो है आप प्रिंट करा देंगे। तो ये आप करेंगे और वैसे ही दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फिर आप हेलो ऐसे ही करके प्रिंट करा देंगे, जितनी बार मैंने बोला होगा उतनी बार आप जो है ऐसे प्रिंट करा देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई चीज़ है जो बार बार आपको प्रिंट करानी पड़ रही है, तो इससे दोस्तों यहाँ पे आपका टाइम जो है वेस्ट होगा। तो मतलब अगर मैंने यहाँ पे 4 टाइम्स बोल दिया कि आपको हेलो प्रिंट कराना है या फिर मैंने आपसे बोल दिया कि यहाँ पे 100 टाइम्स तक आपको यहाँ पे प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख करके जो है आप 100 टाइम्स नहीं लिख सकते हैं, जिससे आपका भी बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इससे रिलेटेड जो है जो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है वो होता है दोस्तों यहाँ पे फॉर लूप। फॉर लूप करता क्या है कि अगर कोई भी प्रोग्राम में सपोज़ यहाँ पे अगर हेलो है, मैंने बोला कि इसे 100 टाइम्स बार प्रिंट करा दो, तो यहाँ पे फॉर लूप का काम क्या करता है, ये एक मैकेनिज्म होता है जिससे कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स आप एग्जीक्यूट करा सकते हो, ठीक है, फॉर लूप की हेल्प से। अब जैसे कि मैंने आपसे बोला कि ये जो हेलो है इसको 100 टाइम्स प्रिंट कराओ, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे आप सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन अगर आप लिखेंगे 100 टाइम्स तो दोस्तों यहाँ पे इसका कोई लॉजिक नहीं बैठता। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि फॉर लूप की हेल्प से आप इसे कैसे कर सकते हो तो मैं आपको बताता हूँ कि फॉर लूप की हेल्प से कैसे इस चीज़ को जो है आप इजिली अचीव कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैंने फॉर लिखा, फॉर के अंदर यहाँ पे मैंने इंट लिखा, ठीक है, आई इक्वल टू 1 और आई लेस देन और आई इक्वल टू, ठीक है, सेमी कॉलन, आई लेस देन और इक्वल टू कितना दोस्तों यहाँ पे आपको प्रिंट कराना है। अभी मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पे आपको 4 टाइम प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पे 4 लिख लीजिए और उसके बाद जो है आप आई प्लस प्लस लिख लीजिए। अभी मैं आपको ये जो सिंटेक्स मैंने लिखा है इंट आई इक्वल टू 1 आई लेस देन और इक्वल टू 4 आई प्लस प्लस, अभी मैं आपको बताऊँगा कि ये क्या है। अब इस करली ब्रैकेट के अंदर दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ इतना सा लिखना है सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे आप हेलो को प्रिंट करा दीजिए, बस दोस्तों यहाँ पे आपने इतना कोड लिखा। अगर आप इसे 100 टाइम प्रिंट कराना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप 100 की वैल्यू दे सकते हैं, अगर 4 टाइम प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 4 दे सकते हैं और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा मल्टीपल टाइम्स, इसी को बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे फॉर लूप। अब सवाल ये आता है कि ये एग्जीक्यूट कैसे करेगा, ठीक है, ये होता है दोस्तों फॉर लूप का सिंटैक्स। सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए फिर मैं आपको इसे जो है ईजिली बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि कैसे यहाँ पे इसी यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है इसी चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ आपको बताया है कि ये होता है सिंटैक्स, इसको बोलते हैं दोस्तों इंट आई इक्वल टू 1 जो मैंने लिखा है इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया इनिशियलाइज किया। और ये दोस्तों आई लेस देन और इक्वल टू 4 लिखने का रीज़न ये है, ये हमारा होता है कंडीशन, क्या होता है कंडीशन। और आई प्लस प्लस की बात करें ये होता है अपडेट एक्सप्रेशन, ठीक है, तो ये तीन चीज़ होती है फॉर लूप के अंदर में, पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा अपडेट एक्सप्रेशन। तो चलिए हम इसे अच्छे से समझते हैं कि ये कोड एग्जीक्यूट कैसे करेगा,
ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो है ये जो इनिशियलाइजेशन है ये आपका स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है। इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन जो होगा वो स्टार्ट होगा, और इनिशियलाइजेशन के बाद उसके बाद जब मैंने आई इक्वल टू वन किया उसके बाद क्या होगा, ये कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक होगी मतलब अब यहाँ पे ये जो है कंडीशन वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अभी मैं यहाँ पे एक फ्लो बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब ये कंडीशन चेक हो गई, कंडीशन के बाद क्या होगा, इस कोड के अंदर जाएगा। अब अगर अंदर जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो यहाँ पे बॉडी है इसके अंदर वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और जब यहाँ पे ये बॉडी एग्जीक्यूट कर लेगा फिर हमारा एक्सप्रेशन कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब i की वैल्यू यहाँ पे अपडेट होगी, तो मतलब ये मैं कह सकता हूँ इसके बाद ये जो है अपडेट एक्सप्रेशन चलेगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे एक फ्लो बना रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे ये कंडीशन इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन हुआ और अगर ये कंडीशन मैच नहीं हुआ तो दोस्तों यहाँ पे ये जो है फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। और अगर दोस्तों यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पे ये बॉडी के अंदर जाएगा और सारे कोड को एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये जो अपडेट है ये यहाँ पे कंडीशन पे आ जाएगा। तो ये दोस्तों होता है यहाँ पे फ्लो। अब मैं आपको कोड से समझाता हूँ कि कैसे यहाँ पे ये कोड एग्जीक्यूट हो। फॉर इंट आई इक्वल टू वन, जैसे कि यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हुआ सबसे पहले i इक्वल टू वन, फिर मैंने क्या हुआ नीचे आया भाई चलो कंडीशन मैच करते हैं, तो क्या वन लेस देन और इक्वल टू फोर है, कंडीशन फुलफिल हो गई तो मतलब ट्रू हो गया। ट्रू के नीचे बॉडी होगा, बॉडी का मतलब यहाँ पे क्या है ये है। अब ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी और जब एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे सबसे पहले हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब जब बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद अब क्या होगा, अब ये अपडेट स्टेटमेंट चलेगा। अपडेट का मतलब ये है कि यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, मतलब आई इक्वल टू आई प्लस वन। अब आई की वैल्यू कितनी है अभी वन है, तो आई की वैल्यू वन प्लस वन कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी टू। अब दोस्तों जब ये टू होगा, अब यहाँ पे फिर से कंडीशन में हमारा आ गया आई इक्वल टू टू, अब यहाँ पे क्या कंडीशन चेक होगी, टू लेस देन और इक्वल टू फोर, ये कंडीशन ट्रू है। अब जब कंडीशन फिर से ट्रू है तो ये हमारा बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, बॉडी एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अब आई की वैल्यू क्या है, आई प्लस प्लस का मतलब क्या है, आई इक्वल टू आई प्लस वन, और यहाँ पे टू प्लस वन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री आपका। तो मतलब अभी आई की वैल्यू क्या है, थ्री हो जाएगी। अब दोस्तों फिर से यहाँ पे आई की वैल्यू जब थ्री हो जाएगी तो कंडीशन चेक होगा, कंडीशन चेक होगा ट्रू होगा, फिर बॉडी के अंदर आएगा, फिर बॉडी के अंदर यहाँ पे हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये तीन हेलो प्रिंट हुआ। फिर दोस्तों यहाँ पे आई की वैल्यू फोर हुई, फोर लेस देन और इक्वल टू फोर, यहाँ पे कंडीशन देखिए तो आई की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे ट्रू हो गया, फिर बॉडी के अंदर आएगा, अपडेट हो जाएगा, फिर हेलो आपका प्रिंट कर जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब आपको क्या ध्यान रखना है, जब आई की वैल्यू फाइव हो जाएगी और ये लेस देन और इक्वल टू फोर होगा तो यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंडीशन जब चेक होगी तो ये फॉल्स होकर के लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ये लूप के बाहर आ गया, अब जब लूप के बाहर आ गया तो हमारा इसके बाद ये कोड जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो मतलब हमारा हेलो जो है फोर टाइम बार प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यही फोर की जगह हंड्रेड दे देता तो दोस्तों यहाँ पे जो हेलो है ये हंड्रेड टाइम्स बार प्रिंट कर देता। तो ये दोस्तों होता है ओवरऑल लॉजिक जो हम लोग फॉर लूप का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप दोस्तों यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।